हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का हमारा वीडियो है पंखों के स्कूल का प्रोजेक्ट। तो इसको स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था, तो ये हम वही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सारे एनिमल थे तो हमने ये ऑफलाइन भी ट्राई किया था, लेकिन ऑफलाइन क्या हो रहा था कि इसमें ना जो इन एनिमल्स हैं इनके साइज़ हमें बहुत बड़े बड़े मिल रहे थे और सारे मल्टी नहीं मिल रहे थे। तो फिर ये हमने ऑफलाइन नहीं लिया, तो हमने ये ऑनलाइन लिया है और ये अमेज़ॉन से लिया। तो इसकी क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों ही अच्छी थी, मतलब जितनी क्वान्टिटी थी उसके क्वालिटी अच्छी थी और क्वालिटी के हिसाब से क्वान्टिटी भी ठीक थी। तो अभी ये पंखू इनको सेलेक्ट कर रहा है, अलग अलग रख रहा है कि पेट एनिमल कौन से हैं, वाइल्ड कौन से हैं और डोमेस्टिक एनिमल कौन से हैं। तो ये सारा सेपरेट कर रहा है इनको। तो प्रोजेक्ट बनाना था तो हमने कहा कि पंखों को भी इन्वॉल्व करते हैं प्रोजेक्ट में, क्योंकि जब वो इन्वॉल्व होगा तो उसे पता चलेगा कि हम मतलब हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना है नेक्स्ट टाइम। थोड़ा वो भी प्रिपेयर रहेगा इन सब चीज़ों के लिए, तो इसलिए हमने इसको भी इन्वॉल्व किया है इसमें। तो ये भी लगा हुआ है और यहाँ पे जो है पंखों का प्रोजेक्ट जो हमने शुरू कर दिया है। तो मैंने ना मशीन मंगाई थी अमेज़ॉन से, मैंने मशीन मंगाई थी अपने लिए, स्विंग मशीन मंगाई थी। तो ये जो थर्माकोल है ये मतलब मशीन पर रैप होके आया था, मशीन के प्रोडक्शन के लिए आया था। तो हमने इसको प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया है, पंखों के प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने इसको पहले फ़िक्स कर लिया। और ये जो आइसक्रीम स्टिक होती है इससे हमने मतलब बाउंड्री कर दी थी जंगल की, जो हमें प्रोजेक्ट बनाना था उसके हिसाब से हमने इसकी जो है बाउंड्री कर दी थी। और अभी हम लगा रहे हैं इसमें फेविकॉल वगैरह। तो ये पंखों को नहीं दिया क्योंकि इसने पूरा ही ख़राब कर देना था और हमें ये मतलब नेक्स्ट डे, तो हाँ इसकी हमको प्रोजेक्ट नेक्स्ट डे देना था। तो हमने फिर इसको बनाया फटाफट से, मैं लगी हुई इस प्रोजेक्ट बनाने में। तो हमने बीच में जो थर्माकोल जो है थोड़ा थोड़ा काट लिया था, थोड़ा पानी वाला लुक देने के लिए कि हाँ मतलब जो जानवर हैं उनको मतलब जंगल में है तो उनको पानी भी चाहिए पीने के लिए। तो उसके लिए हमने बीच में से थोड़ा थर्माकोल गहराई में काट लिया था और फेविकॉल डाला उसमें। और उसके बाद हमने इसमें जो ब्लू कलर है वो डाल दिया था, ऐसे ऐसे स्प्रेड कर लिया था ताकि पानी वाला लुक आ जाए उसमें। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, बच्चों का कर रहे हो, चाहे अपने लिए कोई प्रोजेक्ट आप ऐसे बना रहे हो, तो आप देख सकते हो कि डाइनिंग टेबल की क्या हाल हो जाती है और घर की भी क्या हाल हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि सारा मैश हो जाता है, आपको सारा सामान एक साथ ही चाहिए होता है। तो पंखों बहुत इंटरेस्ट से देख रहा है कि भाई प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है। तो उसको मैंने बाद में थोड़ा बहुत कलर करने के लिए दिया, पर ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि वो पूरा ना ख़राब कर देता है इसको यहाँ पे। तो फिर हम दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इन्होंने ये जो है एक ब्रिज बनाया, पुल जैसा बना लिया कि भाई कुछ अगर जानवर उस तरफ है और इस तरफ है तो वो आ जा सकते हैं। तो भी ये पुल बना लिया था। ये भी लगे हुए साथ फेविकॉल लगा रहे हैं उसमें ताकि काम जल्दी से हो जाए, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हम दोनों ने ये मिलके बनाया, दोनों तो क्या तीनों ने, पंखों ने बीच में हेल्प करी। तो फिर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया और बन गया था, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना था। ये जंगल वाला लुक देने के लिए फिर हम लोगों ने जो हमारे इधर आस पड़ोस में थोड़े पत्ते पौधे थे उनके पत्ते तोड़े और यहाँ पे जो है रियल लगाई है ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा सा आए, अच्छा सा दिखे। तो ये देखो ये पंखों ने जो थर्माकोल को कलर किया है, उसको बहुत टाइम से काम चाहिए था कि क्या करे क्या करे। तो हमने उसको ये दिया कि भाई इस पे कलर करो और थोड़ा डिस्टर्ब हमें कम करो। तो फिर हमने ये सब कुछ लगाए उसमें। तो जो है फाइनली हम लोगों ने रात को बना लिया था प्रोजेक्ट और फिर हमने इसको रात भर सूखने के लिए रख लिया था कुर्सी पे और भी साइड में रख लिया था कि कहीं ऐसी जगह बनाओ कि प्रोजेक्ट गिर जाए और ख़राब वराब हो जाए। तो हमने इसको रात को साइड में रख लिया था और ये सूख गया है। अभी आप देखो उसका फाइनल लुक कैसा दिख रहा है। तो कोशिश करी हमने कि भाई थोड़ा सा मतलब नेचुरल सा उसका लुक दे सके हम, कि हमने उसमें पेड़ पौधे वगैरह भी लगाए, पत्ते वत्ते भी लगाए। तो अभी ये जो है पंखों तैयार हो चुका है, रिशु भी तैयार हो चुका है स्कूल के लिए। तो ये लोग अभी जा रहे हैं स्कूल और प्रोजेक्ट सबमिट भी करना है, आज ही इसका डे है, सभी बच्चों ने आज ही सबमिट करना था। तो फिर हम लोग पहुँच गए स्कूल प्रोजेक्ट लेके अपना। फिर रास्ते में उस दिन क्योंकि फाइनल डे था उस दिन प्रोजेक्ट सबमिट करने का, तो हमने रास्ते में बहुत सारे बच्चों के प्रोजेक्ट देखे, सबके सब उसी दिन लेके जा रहे थे और सब बहुत एक्साइटेड हो रखे थे। पंखों भी बहुत खुश रहता है स्कूल जाने के लिए, रोता होता नहीं है। तो ये मेरे साथ चल रहा है, खुश है एकदम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।